नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा राठौर। आपका स्वागत करती हूं आज तक 24 न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। थाना सेंधवा शहर पुलिस ने महाराष्ट्र तरफ से आने वाली सब्जी और फल फ्रूट गाड़ियों से लूटपाट कर डकैती डालने की योजना बनाते हुए चार व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। एक फरार गिरफ्तार आरोपियों से एक अवैध देसी कट्टा, लोहे का धारदार फालिया, लोहे की टामी, एक डंडा, दो तार सहित तीन मोबाइल फोन किए जब्त। कस्बा सेंधवा में लंबे समय से रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा महाराष्ट्र तरफ से निकलने वाली सब्जी और फल फ्रूट की गाड़ियों से मारपीट कर लूटपाट कर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हो रही थी। पुलिस अधीक्षक बड़वानी द्वारा शिकायतों को काफी गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सेंधवा शहर को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी पुनीत गहलोत के निर्देशन और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आर डी प्रजापति और श्रीमान एसडीओपी कमल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में टीम गठित कर रात्रि में टीम द्वारा भ्रमण कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु लूटपाट करने वाले व्यक्ति पिकअप वालों से मारपीट कर अवैध रूप से वसूली कर भाग जाते थे। पिकअप वाले व्यक्ति बाहर से होने से डर के कारण कोई थाने पर रिपोर्ट नहीं करता, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जिनकी धरपकड़ हेतु थाना सेंधवा शहर ने मुखबिर तन को सक्रिय कर लूटपाट करने वाले की जानकारी हेतु मुखबिर लगाए। पुलिस टीम द्वारा रात्रि में लूटपाट करने वालों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तुलसी लॉज के पीछे कुछ व्यक्ति महाराष्ट्र तरफ आने वाले सब्जी और फल फ्रूट की गाड़ियों से लूटपाट कर डकैती करने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल रवाना होकर तुलसी लॉज के पीछे पहुंचे, जहां पर कुछ लोग बातें करते हुए दिखे, जिसे पुलिस टीम द्वारा आड़ से देखा गया तो लोग बोल रहे थे कि आज रात को महाराष्ट्र तरफ से आने वाली सब्जी और फल फ्रूट की गाड़ियों को रोककर पैसे लेकर लूटपाट कर डकैती डालना। डकैती और लूटपाट की बात सुनकर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जो मौके पर दो व्यक्तियों को पकड़ा था। तीन व्यक्ति भागने लगे, जिससे पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत कर पीछा पकड़ कर जिसमें से दो व्यक्तियों को पुलिस टीम ने पकड़ा और तीसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि उपरोक्त गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन गुप्ता अद्यतन अपराधी, इसके रिकॉर्ड के आधार पर इसका जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जिला बदर अवधि के दौरान भी जिले की सीमा में पाए जाने पर एक बार इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका की कार्रवाई की गई और अन्य अपराधियों के खिलाफ भी रिकॉर्ड के आधार पर कठोर आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या मामला है सर? देखिए, ये लंबे समय से सेंधवा शहर में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो महाराष्ट्र तरफ से जो सब्जियों की गाड़ी आती है, फल फ्रूट की गाड़ी वाले, पिकअप वाले आते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं और लूट करते हैं। क्योंकि जो पिकअप वाहन चालक होते थे वो बाहर के होते थे, इसलिए वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे थे। तो इस सूचना पर एसपी श्री पुनीत गहलोत सर ने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जो कल रात को भी हमको मुखबिर सूचना हमारी टीम को मिली थी कि पुनः पांच लोग जो है तुलसी लाज हेवी रोड के पास, तुलसी लाज के पास में जो है बैठ के फिर लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना प्राप्त होने पर टीम वहां पर बनाई गई, दो टीम वहां भेजी गई। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पे ये चार लोग जो है पूरे लूट करने की प्लानिंग में थे, जो घेराबंदी करके जब इनको पकड़ा गया तो ये भागने लगे, लेकिन उसके बाद टीम ने इनका पीछा किया, चारों को पकड़ा है। इसमें मुख्य रूप से आर्यन गुप्ता, अंकुश पवार, विशाल डोंगरे और करण देवरे, और ये चार लोगों को हमने मुख्य अरेस्ट किया है। इसमें जो आर्यन गुप्ता है ये आपतन अपराधी है, पहले भी इसकी कई शिकायतें और इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है, जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसी प्रकार विशाल डोंगरू को कुछ समय पूर्व ही पुलिस ने एक मामले में अरेस्ट करके न्यायालय पेश किया था, जहाँ से जेल में रहा है। तो ये सभी लोग आपतन अपराधी है। इसमें जतिन रावल जो है वो फरार चल रहा है, अंकुश पवार, करण देवरे ये भी आपतन अपराधी हैं। इन सभी के खिलाफ धारा 399-402 डकैती की योजना बनाना और उसके लिए एकत्रित होना, इस मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें साथ में 25 जो जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से एक कट्टा भी मिला है, साथ में धारदार फलिया मिला है, एक डंडा मिला है, तार चौरान सामग्री मिली है। इसमें से अब आगे इसमें अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। घर में
आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।